हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत देना, फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी क्या लेटेस्ट अपडेट आई है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो जितने भी सक्षम युवा साथी है, पहले तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी सक्षम युवा साथी है उनको सस्पेंड रिमूवड करना स्टार्ट कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने। तो इसमें रिमूव और सस्पेंड क्यों किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। इस रिमार्क में बताया है कि कैंडिडेट रिजेक्टेड फॉर्म फ्रॉम सक्षम युवा स्कीम ड्यू टू नॉन अपडेटिंग ऑफ PPID। इन्होंने अपनी सक्षम युवा पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं की थी, जिस कारण से इनको सक्षम योजना से सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, तो जितने भी सक्षम युवा साथी वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हुआ मैं। तो सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ मैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जल्द से जल्द अपनी सक्षम युवा पोर्टल पर आप परिवार पहचान पत्र है अपनी, जल्द से जल्द अपडेट कर ले जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो सक्षम युवा के जितने भी सक्षम साथी हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है। जी हाँ, ये अम्बाला से है, अम्बाला में बहुत से बच्चे हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो आप देख सकते हैं, जी हाँ, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में 6 अगस्त 2021 को ये रिजेक्ट करने स्टार्ट कर दिए गए थे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने। इन्होंने बहुत टाइम दिया गया था सक्षम युवा साथियों को, वो जल्द से जल्द अपनी परिवार पहचान पत्र वो अपडेट कर ले सक्षम युवा पोर्टल पर। तो ये लास्ट वार्निंग दी है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने। तो जितने भी सक्षम युवा साथी हैं जो भी हरियाणा के हैं, उनको सभी तक ये जानकारी पहुँचा दे कि एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने सभी को सस्पेंड और रिमूवड करना स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ, तो जिन्होंने भी अभी तक फैमिली आईडी अपडेट नहीं किया सक्षम युवा पोर्टल पर, वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर लें और अपनी वो क्वालिफिकेशन का वो जो न्यू अलर्ट नोटिस आया था सक्षम युवा पोर्टल पर, उस पर भी क्वालिफिकेशन जो परिवार पहचान पत्र में क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है वो अपडेट कर दिया गया। जल्द से जल्द आप क्वालिफिकेशन भी आप सरल तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है जिससे आप भत्ता ले रहे हैं, वही क्वालिफिकेशन आपके परिवार पहचान पत्र में होनी चाहिए। अगर आपकी अदर क्वालिफिकेशन पाई जाती है तो आप सक्षम योजना से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि ये रिजेक्ट किए गए हैं, इन्होंने अपनी फैमिली आईडी वो अपडेट नहीं की थी सक्षम पोर्टल पर। ये ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे ही मतलब इनके पास भी SMS भी सेंड किए गए थे, कॉल भी किए गए थे, लेकिन बार बार SMS किए जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपने हरियाणा की तरफ से, जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर ले सक्षम युवा पोर्टल पर और अपनी फैमिली आईडी जो क्वालिफिकेशन आपकी मिसमैच हो गई है उसको परिवार पहचान पत्र में आपकी क्वालिफिकेशन वो अपडेट कर ले जल्द से जल्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, जितने भी सक्षम युवा साथी हैं हरियाणा के उनको ये तक ये जानकारी पहुंच सके, उनका जो भत्ता मानदेय बंद ना हो सके। तो उसका ये सलूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सलूशन है कि आप जल्द से जल्द सक्षम युवा पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर लें। सरल तरीके से प्रोसेस है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो अगर आप सक्षम युवा पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर लेते हैं तो आप सक्षम योजना का जो भत्ता मानदेय आपके बैंक खाते में आता रहेगा सरल प्रोसेस से। और आपकी क्वालिफिकेशन भी सही है, जैसे कि प्लस टू से भत्ता ले रहे हैं, प्लस टू आपकी फैमिली आईडी में है, ग्रेजुएशन से भत्ता ले रहे हैं, ग्रेजुएशन भी आपकी फैमिली आईडी में है, PGD से भत्ता ले रहे हैं, अगर PGD ही आपकी फैमिली आईडी में है तो आपका जो भत्ता मानदेय आता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन ही अलग अलग होगी परिवार पहचान पत्र में और भत्ता आप ले रहे होंगे अदर क्वालिफिकेशन से, तो आप सक्षम योजना से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, साफ साफ बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, ना ही SMS आएगा। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो इसमें ऐसा आएगा, ऐसा कुछ सो होने लगेगा सभी डिस्ट्रिक्ट के पास। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में सस्पेंड होने शुरू कर दिए गए हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने। तो और अदर भी डिस्ट्रिक्ट है जो बाकी हरियाणा के, उनको उनमें भी ये स्टेटस देखने को मिलेगा, ना ही आपके पास कोई SMS सेंड किया जाएगा। नोटिस तो पहले सेंड कर दिया गया था एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने। तो आप सक्षम युवा पोर्टल पर जब अपना आईडी लॉगिन करेंगे, जिन्होंने भी अभी तक अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं की थी, तो ये आपको ऐसा प्रोसेस देखने को मिलेगा सक्षम युवा पोर्टल पर। जी ये स्टेटस देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, कुछ दिनों में आपको जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर ले सक्षम युवा पोर्टल पर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप बोलते हैं सर ने बताया नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर ले सक्षम युवा पोर्टल पर। जी हाँ, अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका भत्ता मानदेय आपका आता रहेगा, ना ही आप सक्षम योजना से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको बता देता हूं मैं,
तो वीडियो को जितने भी सक्षम साथी वीडियो को ज़्यादा शेयर करते, जितने भी हरियाणा में सक्षम युवा है जितने भी उनको ये जानकारी मिल सके वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी में अपनी जो फैमिली आईडी है वो सक्षम युवा पोर्टल पर जल्द से जल्द अपडेट करवा सकें, ताकि उनको जो भत्ता मानदेय है उनका बंद ना हो सके। जो पैसे मिलते हैं इनको ये 900 रुपये अलाउंस, प्लस टू को ग्रेजुएशन को 1500 और पीजीटी वाले को 3000 रुपये, इससे वो वंचित ना रह सके। जो जो ये राशि आपको आपके फायदेमंद अनुसार आपके अनुसार ही आपके बैंक खाते में डाली जाती है, जिससे कि आपकी ज़रूरत की पूर्ति होती रहे। फ्रेंड्स तो मैं आपको बताता हूँ, किसी का भी भत्ता मानदेय बंद ना हो सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। जितने भी हरियाणा में सक्षम युवा है साथी, उनको ये जानकारी नहीं मिली है, बहुत को पता ही नहीं है बहुत सक्षम युवा साथी को क्या क्या करना है आगे, क्या प्रोसेस करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सक्षम युवा पोर्टल पर अपनी फैमिली आई डी अपडेट कर देनी है, ठीक है। आपका जो भी डाटा फैमिली आई डी में है उसको पहले सक्षम युवा पोर्टल पर आप फैमिली आई डी अपडेट कर लें। फैमिली आई डी अपडेट करने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन वो अपडेट कर सकते हैं परिवार पहचान पत्र में, आपको नो प्रॉब्लम, आपका जो भत्ता मानदेय बंद नहीं होगा। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको ये स्टेटस देखने को मिलेगा सक्षम युवा पोर्टल, ना ही आपके पास SMS किया जाएगा, ना ही कोई नोटिस आएगा, ना ही कोई कॉल आएगी आपके पास, तो आप सक्षम योजना से जो भत्ता मानदेय आपका बंद कर दिया जाएगा। भविष्य में आप कोई भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, इम्प्लॉयमेंट वार्डन हरियाणा में आप रजिस्टर्ड जरूर होंगे, लेकिन आप भविष्य में कोई भी बेरोजगारी भत्ता योजना से लाभ नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जितने भी हरियाणा में युवा है वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी वो सक्षम युवा पोर्टल पर अपडेट कर ले और परिवार पहचान पत्र में जो क्वालिफिकेशन जिससे आप भत्ता ले रहे हैं वही क्वालिफिकेशन उसमें अपडेट करवा लें। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रही। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।